हेलो फ्रेंड्स, मोना बंसल का नमस्कार। आज मैं बना रही हूँ सिंधी स्टाइल के आलू टुक। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं, रेनी सीज़न चल रहा है और इस मौसम में इवनिंग स्नैक्स में कुछ ना कुछ फ्राइड स्नैक्स खाने की डिमांड आती ही रहती है। और सच बताऊँ तो इन दिनों में बनाना भी और खाना भी दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए आज मैं बना रही हूँ आलू टुक। और अगर आपको भी अपनी शाम का मज़ा दोगुना करना है तो चलिए आइए देखते हैं मेरी रेसिपी। आलू टुक बनाने के लिए हमने लिए बड़े साइज़ के आलू और उन्हें बड़ा बड़ा ऐसे कट कर लिया है। अब इन्हें हम पानी में 10 मिनट के लिए डालकर छोड़ देंगे। और इस पानी में थोड़ा सा नमक डाल देंगे और इनको 10 मिनट के लिए साइड रख देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, हमने इन आलूओं को अच्छे से साफ पानी से धो लिया है। अब इन्हें कपड़े पर निकाल कर अच्छे से ड्राई कर लेंगे। कढ़ाई में हमने ऑयल गरम कर लिया है। अब इसमें हम आलू डाल देंगे और फ्लेम हमें लो टू मीडियम रखनी है, बहुत हाई नहीं करनी, नहीं तो आलू ऊपर से सिक जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अब इन्हें हमें 8 से 10 मिनट तक के लिए फ्राई करना है और इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे। आठ से दस मिनट लग जाएंगे इन्हें फ्राई होने में। धीरे धीरे इसको अच्छे से, ताकि अच्छे से अंदर से गल जाए। ये देखिए, 8 से 10 मिनट हो गए हैं, अब हमारे आलू फ्राई हो गए हैं। अब इन्हें हम अलग से निकाल लेंगे। एक आलू निकाल कर हम पहले चेक कर लेते हैं ये अंदर से गल गए या नहीं। ये देखिए, ये पूरे से अच्छे से गल चुके हैं और अच्छे से ऊपर से फ्राई भी हो गए। अब अपने आलू को हम 5 से 6 मिनट के लिए रेस्ट करने देते हैं, इससे इनका एक्स्ट्रा ऑयल भी निकल जाएगा और ये थोड़े ठंडे भी हो जाएंगे। अभी हमारे आलू ठंडे हो गए हैं, अब इन्हें हम ऐसे किसी एक फ्लैट बर्तन की हेल्प से प्रेस कर लेंगे। हमने सारे आलू ऐसे ही फ्लैट कर लिए, अब इन्हें फिर से हम फ्राई करेंगे। इस स्टेज पर फ्राई करते समय हमें यह ध्यान रखना है कि तेल हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए, यानी गैस की फ्लेम फुल हो। गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है। ये देखिए, अब हमारे आलू टुक बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अभी इन्हें हम एक प्लेट पर अलग निकाल लेंगे। अभी हमारी आलू की टिक्कियां अच्छे से फ्राई होकर रेडी हो गई हैं। अब इनके लिए हम मसाला तैयार करते हैं। पैन में हमने थोड़ा सा ऑयल लिया है, इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च, एक चम्मच भुना हुआ जीरा, एक चम्मच चाट मसाला लिया है मैंने, एक
एक चम्मच अमचूर पाउडर, थोड़ा सा लेंगे नमक, क्योंकि हमारे चाट मसाले में भी नमक होता है, इसलिए नमक थोड़ा ही डालेंगे। अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये आलू टिक्के अच्छे से मसाला कोट हो गया है। ये देखिए हमारे क्रिस्पी आलू टुक बनकर तैयार हैं। देखिए फ्रेंड्स, आलू टुक बनकर बिल्कुल तैयार हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।